हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर फोर्थ जो है वो चल रहा है यहाँ से। तो हम नोमेनक्लेचर जो है डिस्कस कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग देना। तो अब अल्कीन जो फैमिली है उसकी नेमिंग आज हम देने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने अल्केन को डिस्कस किया था, जो कि बेसिक वीडियो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि अल्केन की नेमिंग जो है वो आपको पहले आनी चाहिए अल्कीन से, और अल्केन के बगैर आप अल्कीन को नहीं सही से समझ सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्केन की। आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, आयूपैक सिस्टम और कॉमन सिस्टम। सबसे पहले हम आयूपैक सिस्टम को जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पहले आयूपैक सिस्टम जो है सही से समझ में आ जाए। और आयूपैक सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट होता है कॉमन सिस्टम से, तो इसीलिए आयूपैक सिस्टम हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले लिखा है इन अल्कीन सफिक्स इन इज़ यूज टू इंडिकेट द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अब अल्कीन हम उनको कहते हैं जिसके अंदर दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो, एक डबल बॉन्ड मौजूद हो। एक हो कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड हो, दो हो या कि ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसे अल्कीन कहते हैं। तो कम से कम एक बॉन्ड डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, उसे हम अल्कीन कहते हैं। और अल्कीन के अंदर हमारे पास जो सफिक्स यूज होता है वो इन यूज़ होता है, जैसे कि अल्केन के अंदर एन सफिक्स यूज होता है। अब यहाँ पर इन सफिक्स यूज होगा, हमारे पास इथेन होगा, दो कार्बन वाला होगा तो इथीन हम कहेंगे, और प्रोपेन होगा तो प्रोपीन कहेंगे, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटीन कहेंगे। मतलब एन को हम रिप्लेस कर देंगे इन से। तो इस तरह से इन जो है ये सफिक्स यूज़ होगा हमारे इस कंपाउंड के, इस फैमिली के अंदर। और कार्बन के अंदर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो इन जो है ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। इसका हमारे पास पहला रूल वही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग डबल बॉन्ड। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें दूसरी एक बड़ी चेन मिल रही है जिसके अंदर डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। हमें डबल बॉन्ड को चेन के अंदर लाजमी शामिल करना है, और उसके अंदर वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। उसके बाद है नंबर फ्राम द एंड वेयर डबल बॉन्ड इज़ नियरर, और इरिस्पेक्टिव द अल्काइल रेडिकल। अब हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है। हमें उस चेन के उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से हमें डबल बॉन्ड करीब हो, और डबल बॉन्ड को हमें कम से कम पोजीशन देनी है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर है, अब देखें ये हमारे पास एक चेन है, इस चेन के अंदर हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो पहले पहले मिल रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिले, वो कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के अंदर शामिल हैं उन्हें कम से कम पोजीशन मिले। और अल्काइल रेडिकल का ख्याल नहीं करना इसके अंदर सबसे पहले। अब देखें यहाँ पर अल्काइल रेडिकल जो है ये हमारे पास पहले आ रहा है, तो अल्काइल रेडिकल यहाँ से करीब आ रहा है तो हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इस सब्स्टिट्यूएंट से। सब्स्टिट्यूएंट से बड़ा है ये डबल बॉन्ड, तो इसीलिए डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग देनी है, डबल बॉन्ड को करीब नंबरिंग देनी है। उसके बाद ये देखो, इसको यहाँ से दूसरा नंबर मिल रहा था इस सब्स्टिट्यूएंट को, लेकिन यहाँ से इसको तीसरा नंबर मिलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, तो हमें नंबरिंग यहाँ से ही हम करेंगे। तो इसीलिए अल्काइल रेडिकल का इसके अंदर ख्याल नहीं करना, सिर्फ डबल बॉन्ड को हमें कम से कम पोजीशन देनी है। उसके बाद हमारे पास जो है इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, हमें नाम के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन को लाजमी बताना है, और कार्बन इन्वॉल्व इन द बॉन्ड, और ऐसे कार्बन जो कि इन्वॉल्व हैं उस बॉन्ड के अंदर उनकी नंबर हमें बताना है। मतलब अगर तीसरे, देखो फर्स्ट कार्बन के पास जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाए तो हमें बताना है कि ये क्या है, वन ब्यूटीन है। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो हम कहते कि ये सेकेंड कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम इसे कहते ये टू ब्यूटीन है। तो इस तरह से नाम जो है वो चेंज होते हैं, और हमें नंबर देना है उनका, डबल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है उसकी पोजीशन पे हमें नंबर देना है। यूज़ प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा बिफोर सफिक्स इन केस ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हैं, किस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड होंगे, किसी में तीन डबल बॉन्ड होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें ये सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ करने हैं डाई ट्राई टेट्रा। दो डबल बॉन्ड हैं डाई और तीन डबल बॉन्ड हैं ट्राई, चार डबल बॉन्ड है टेट्रा, लेकिन ये डाई ट्राई टेट्रा हमें इन से पहले लगाने हैं। देखें ये इन जो सफिक्स है ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, तो अगर डबल बॉन्ड दो होंगे तो हम कहेंगे डाई इन, और तीन होंगे तो ट्राई इन, चार होंगे तो टेट्रा इन। तो इस तरह से अगर हमारे पास ब्यूटीन के अंदर दो डबल बॉन्ड हैं तो हम क्या कहेंगे, ब्यूटा डाई इन। तो इस तरह से ये ब्यूटा और डाई इन ये आपस में दो डबल बॉन्ड को शो करेंगे।
और बाकी के जो रूल्स हैं हमारे पास अल्काइल के, रेडिकल के हमें पोजीशन वगैरह बतानी है, वो सारे रूल वही सेम रहेंगे। अल्काइल की तो पोजीशन हमें बतानी ही है और अल्काइल वही होगा, और अल्काइल का नाम हमें ऐसे लिखना है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे ही सेम टू सेम बाकी के रूल्स मौजूद हैं जो कि हमारे अल्केन के अंदर थे। तो बाकी के रूल्स सेम हैं लेकिन ये स्पेसिफिक रूल्स यहाँ पर शो किए गए हैं। अब हम आते हैं इनकी नेमिंग करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और ये सारे रूल्स जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं। और इस प्रैक्टिस के बाद जो है आप भी खुद से अपने किसी भी कंपाउंड को नेम दे सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास ये पहला कंपाउंड है जो कि बहुत ही सिंपल कंपाउंड है, सबसे फर्स्ट कंपाउंड है ये अल्कीन फैमिली का जो कि है इथीन। तो अब देखें यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, हम इथेन बोलते हैं, लेकिन इथेन का हम जो एन है ए एन ई वो हम रिप्लेस कर देंगे ई एन ई से। तो अल्केन यहाँ पर अल्केन अल्कीन के अंदर हम ई एन ई लिखते हैं तो यह इसके नाम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एथ जो है ये दो बॉन्ड को शो कर रहा है लेकिन डबल बॉन्ड बीच में है तो हम इथीन कहेंगे, और देखें डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम इसे वन इथीन कहेंगे। लेकिन ये वन वन जो है ये आपने शो करना लाजमी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर एक ही पोजीशन है और यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है तो इसीलिए यहाँ पर वन इथीन ही होगा। लेकिन डबल बॉन्ड वन आप लिखें या ना लिखें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन देना बहुत ही लाजमी है। अब दूसरे क्वेश्चन पे देखें यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है लेकिन यहाँ से ये वाली भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है क्योंकि कार्बन चार ही आ रहे हैं दोनों के अंदर, तो हम एक यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसको और नंबर वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें डबल बॉन्ड करीब हो, तो डबल बॉन्ड यहाँ से देखें फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और ये, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर थर्ड नंबर मिलेगा, अगर यहाँ से आएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिलेगा और डबल बॉन्ड को जो है वो लास्ट नंबर मिलेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और नंबरिंग डबल बॉन्ड को करीब रखना है नंबरिंग के अंदर। तो यहाँ से हम नंबर करेंगे 1 2 3 और ये 4। अब देखें यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन, और ये डबल बॉन्ड है तो इसे हम ब्यूटीन कहेंगे, ठीक है। तो ब्यूटीन यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो लिखना ही है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल है, किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो हम कहेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है तो 3-methyl, और ये हमारे पास 3-methyl। अब यहाँ पर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूट, और यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसीलिए हम इसको कहेंगे ब्यूटीन। अब देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हमने शो करनी है, हमें बताना है कि पोजीशन जो है क्या है डबल बॉन्ड की, किस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, किस कार्बन पे डबल बॉन्ड जो है वो अटैच है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और सेकेंड के साथ है तो हम फर्स्ट का नंबर लिखेंगे, तो 1-1-ब्यूटीन ये हो जाएगा हमारे पास 1-ब्यूटीन। और अब इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, 3-methyl-1-butene, तो ये हमारे पास पूरे इस कंपाउंड का नाम है। अब आप इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, और इस केस में आपको लॉन्गेस्ट चेन ये लंबी दिख रही है तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। तो 6 कार्बन के लिए हम हेक्स वर्ड यूज़ करते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा हेक्सीन। और सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब देखिए नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो 1, 2 और 2 पे हमें एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, 3 पे हमें जो है ये डबल बॉन्ड मिल रहा है, और यहाँ पे भी 2 पे क्या है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से नंबर करेंगे तो भी हमें यहाँ पे 2 पे मिथाइल मिल रहा है और 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो दोनों तरफ से कंडीशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, 2 पे मिथाइल ग्रुप और 3 पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से भी 2 पे मिथाइल ग्रुप और 3 पे डबल बॉन्ड। तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। तो अब देखें 2 पे और 5 पे दो मिथाइल लगे हुए हैं, एक 2 पे एक 5 पे, तो हम क्या लिखेंगे, 2,5-dimethyl। अब देखें दो मिथाइल हैं तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डाईमिथाइल, 2,4-dimethyl। और अब ये हेक्सेन है तो इसके लिए हम क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन लिखेंगे, हम एक सफिक्स यूज़ करेंगे। अब देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन हम शो करेंगे तो हम यहाँ पर थर्ड नंबर लिखेंगे क्योंकि 3 पे ये डबल बॉन्ड मौजूद है, तो अब हम लिखेंगे 3-hexene, तो ये 3-hexene हो जाएगा। अब इस तरह से इसका नाम लिखना है 2,5-dimethyl-3-hexene, तो ये इसका पूरे कंपाउंड का नाम है। अब इस कंपाउंड को देख लें तो इसके अंदर भी हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, अब ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी इस केस में, और ये लॉन्गेस्ट चेन अब देखें इसके अंदर डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहे हैं, अगर हम यहाँ से ये ऊपर वाली भी कर सकते थे लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन इसके अंदर कार्बन हमें सेम मिलते हैं लेकिन डबल बॉन्ड नहीं मिलता, तो इसीलिए हम ये वाली जो है वो
चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें दोनों डबल बॉन्ड जो है मिल रहे हैं। तो अब ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमें फर्स्ट पे एक डबल बॉन्ड मिल रहा है और उसके बाद नंबर टू पे हमें एक मिथाइल मिल रहा है और उसके हिसाब से ये फोर्थ पे एक मिथाइल हो जाएगा और फोर्थ पे दूसरा डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो हमें वन पे डबल बॉन्ड, टू पे मिथाइल और उसके बाद फोर पे मिथाइल और फोर पे दूसरा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमें सेम चीज़ें मिल रही हैं। तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। हमें वन से यहाँ से कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, पांच हमारे पास इसके अंदर कार्बन है तो ये पेंटीन होगा। अब इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे नेम, पहले हम इस सब्सटीट्यूएंट के नेम लिखेंगे। तो दो सब्सटीट्यूएंट हैं, एक टू पे है एक फोर पे है, तो हम लिखेंगे टू फोर, टू कमा फोर डाई मिथाइल, क्योंकि ये दो दोनों क्या है, मिथाइल हैं, दोनों सेम है तो डाई मिथाइल हो जाएगा। और उसके बाद ये पेंटेन है, पेंटीन है तो हम इसे लिखेंगे पेंटीन। लेकिन अब देखें दो बॉन्ड हैं तो दो बॉन्ड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई ट्राई, किसके पहले, इन के पहले हम लगाते हैं, ये यहाँ से इन के पहले हम डाई या ट्राई लगा देते हैं। तो हम लास्ट में इसको डाई इन करेंगे लेकिन पहले हम पोजिशन शो करेंगे। तो पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, पहले पहले डबल बॉन्ड जो है, पहला डबल बॉन्ड वो वन पे है और दूसरा डबल बॉन्ड फोर पे है। तो हम लिखेंगे वन कामा फोर, वन कामा फोर पेंटा, पेंटा डाइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा डाइन। अब देखें डाइन शो कर रहा है कि दो डबल बॉन्ड हैं और किस पे हैं, ये वन और वन कामा फोर, ये शो कर रहा है कि किस पे ये डबल बॉन्ड दो मौजूद हैं, और ये पेंटा शो कर रहा है कि पाँच कार्बन वाली चेन है। तो इसका नाम हो जाएगा टू कामा फोर डाई मिथाइल, वन कामा फोर पेंटा डाइन, तो ये इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इसकी नेमिंग करनी है। इसके बाद आ जाओ कॉमन सिस्टम पे। अब देखें ये जो नेमिंग है ये आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। अभी हम आते हैं कॉमन सिस्टम पे। कॉमन सिस्टम के अंदर जो एन होता है अल्केन का एन, वो हम रिप्लेस कर देते हैं वायलिन से, आइलिन से। ये वाई एल ई एन ई, ये हमारे पास जो है ये एक सफिक्स बन जाता है जब हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम की, अल्केन की, अल्केन की हम कॉमन सिस्टम की जब बात, अल्कीन की। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास इथाइल होगा तो इथाइलिन बन जाएगा, प्रोपाइल होगा तो प्रोपाइलिन बन जाएगा, ब्यूटाइल होगा तो ब्यूटाइलिन बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएंगे वायलिन, हमें यहाँ पर ये ऐड करना है किसी भी प्रीफिक्स के साथ या वर्ड रूट के साथ। अब यहाँ पर इसके कुछ नेम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सी एच टू है, दो कार्बन वाला है और बीच के अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो ये है क्या है, हम अगर इसको आई यू पी एस सी में देखें तो ये वन इथीन है, वन इथीन है। लेकिन अगर आप इसको कॉमन सिस्टम में देखेंगे तो इसका नाम आप लिखेंगे इथाइलिन। तो देखें हमने इथीन का जो है यहाँ पर वाई एल ई एन ई ये हमने ऐड कर दिया तो ये इथाइलिन बन जाएगा। उसके बाद ये तीन कार्बन वाला जो है इसके अंदर ये हमारे पास दूसरे नंबर पे ये डबल बॉन्ड मौजूद है, इसको हम प्रोपाइलिन कहेंगे। तो ये प्रोपाइलिन हो जाएगा, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। या फिर इसको जो है एक और भी नाम हम दे सकते हैं, कैसे, इसको जो है हम मेन चेन कंसिडर करेंगे, इसको हम इथाइल कंसिडर करेंगे और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो ये एक कॉमन सिस्टम के अंदर एक ये भी रूल हमारे पास मौजूद है कि आप इसको जो है क्या करें, इसको आप मेन मान लें, मेन ये हमारे पास चेन हो जाएगी और इसका नाम क्या होगा, इथाइल, जबकि बाकी के जो भी इसके अंदर मिथाइल प्रोपाइल जो भी लगे होंगे वो सारे सब्स्टिट्यूएंट आप कंसिडर कर लें। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये मिथाइल और ये इथाइलिन, तो मिथाइल इथाइलिन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर बाय कंसीडरिंग सब्स्टिट्यूएंट, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, जो भी इथाइल के अलावा जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद है वो सारी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये इथाइल है और इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो दोनों क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, हमारे पास इथाइल हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट इथाइल हैं, दो कार्बन वाले इथाइल होते हैं। तो C2H5 ये इथाइल है, ये भी C2H5 इथाइल, इन दोनों इथाइल को हम क्या लिख सकते हैं, डाई इथाइल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा डाई इथाइल और बीच, तो ये कंपाउंड कहलाएगा डाई इथाइल इथाइलिन। ये कॉमन के अंदर नेम है, जबकि आप अगर इसको IUPAC के अंदर देखें तो इसका नाम जो है वो कुछ और होगा, इसका नाम हमारे पास होगा, ये दो कार्बन है, ये तीसरा चौथा पाँच और छः कार्बन है, तो ये हेक्सीन हो जाएगा। और हेक्सीन कौन सा, ये थ्री नंबर पे ये हमारे पास डबल बॉन्ड होगा तो ये थ्री हेक्सीन हो जाएगा। अब यहाँ पर IUPAC के अंदर इसका नाम है थ्री हेक्सीन, जबकि ये इसका कॉमन सिस्टम के अंदर नेम है डाई इथाइल इथर। यहाँ पर एक यहाँ पर इथाइल है, एक दूसरा ये इथाइल है, दो इथाइल हैं और बीच वाला क्या है, इथाइलिन है। तो ये डाई इथाइल इथाइलिन हो जाएगा इसका नेम।
उसके बाद ये जो कंपाउंड है इसको आप देखें तो यहाँ पर भी इसके अंदर इसका नाम क्या होगा, ये बीच वाला जो है ये हमारे पास इथाइलीन कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो बाकी के ये हमारे पास सब्सटीट्यूएंट हो जाएंगे। और ये सब्सटीट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल है, जबकि ये सब्सटीट्यूएंट इथाइल है C2H5, ये इथाइल है। अब इथाइल और मिथाइल ये दो सब्सटीट्यूएंट हैं तो इसकी वजह से हम इनके नाम अलग अलग लिखेंगे, ये मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल इथाइलीन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल इथाइलीन, तो इस तरह से ये इसका नाम हो जाएगा। और कॉमन सिस्टम के अंदर आप नाम जो है इस तरह से लिखेंगे। अब बारी है हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर मौजूद हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार आप इसको जो है अपनी कॉपी पे इनके नाम आप सॉल्व करें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो कर लिया आपने सॉल्व, अब हम यहाँ पर आते हैं और ये हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर क्या हो सकती है, यहाँ से अगर आप जाएँ तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन की चेन है, जबकि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये चेन जो है ये 5 कार्बन की हमें मिल रही है, लेकिन हम ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे। पता है क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बाहर आ रहा है, डबल बॉन्ड को हमें चेन के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना है क्योंकि ये अल्कीन है, तो अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड चेन के अंदर लाजम आना चाहिए, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, चाहे 4 कार्बन वाली है लेकिन लॉन्गेस्ट चेन यही होगी क्योंकि डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, डबल बॉन्ड को सब्सटीट्यूएंट के अंदर नहीं देना हमें। तो अब इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इस लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये दो सब्सटीट्यूएंट हमारे पास हैं। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस तरफ से नंबरिंग पे हमें करीब आ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे और यहाँ पे इसको 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये 4th कार्बन है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट के नेम लिखेंगे, जो यहाँ पर 2 नंबर पर इथाइल मौजूद है और 3 नंबर पर मिथाइल है, तो सबसे पहले इथाइल का नेम लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में ये पहले आ रहा है, तो यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा 2-ethyl और उसके बाद ये मिथाइल 3 पे मौजूद है तो हम लिखेंगे 3-methyl, 2-ethyl, 3-methyl। अब ये कितने कार्बन हैं इस चेन के अंदर, 4 कार्बन हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्यूटीन, और ये कौन सा है, 1 पे है तो हम इसको 1-butene लिखेंगे, तो ये हमारे पास 1-butene हो जाएगा। अब देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है तो ये हमने 1 शो किया है 1-butene, तो अब ये 1-butene हो जाएगा और ये पूरा कंपाउंड का नाम होगा 2-ethyl, 3-methyl, 1-butene। अब इस दूसरे पे आ जाएं तो यहाँ पर अब देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, अब लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली होगी और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम अगर यहाँ से करें तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ किस नंबर पे आ रहा है, 1 और 2, यहाँ पर 2 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिला है, यहाँ से करें तो यहाँ पे भी 1 और 2 सेकेंड पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, दोनों से हमें सेम मिल रहा है, देखें यहाँ से एक सब्सटीट्यूएंट भी मिल रहा है, तो जहाँ से अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से सेम आ रही है तो जहाँ से सब्सटीट्यूएंट है वहीं से आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ से सब्सटीट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड की पोजीशन तो वैसे सेम है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ से पहले हम सब्सटीट्यूएंट का नेम लिखेंगे, ये 2 पे सब्सटीट्यूएंट है, मिथाइल है, तो 2-methyl हो जाएगा। उसके बाद ये ब्यूटेन है, और कौन सा ब्यूटेन है, दो सेकेंड पोजीशन पे कार्बन है तो हम इसे सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसे हम कहेंगे 2-butene, तो ये हमारे पास 2-butene है, मतलब सेकेंड पे ब्यूटीन डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये साइक्लो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये साइक्लो कंपाउंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इनको आप थोड़ा सा सीख लें। अब देखें साइकिल के अंदर जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो आप फिर से वही लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटीन आप लिखेंगे क्योंकि 4 कार्बन वाला ब्यूटीन होता है, ये साइक्लो ब्यूटेन होता है, लेकिन अब यहाँ पर आप साइक्लो ब्यूटीन लिखेंगे और नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, तो लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है तो नंबरिंग यहाँ से करें, ये यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे, यहाँ से करेंगे तो ऐसे जाएंगे और यहाँ से करेंगे तो ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से हमने स्टार्ट की 1, 2 और ये 3, ये 4। अब इसके अंदर नंबरिंग का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपने फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप लिख देंगे 1-cyclobutene, तो इसका नाम हो जाएगा 1-cyclobutene। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास दो सब्सटीट्यूएंट भी आ रहे हैं और ये 5 कार्बन वाली एक चेन भी आ रही है, साथ में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड जहाँ से करीब हो वहीं से करनी है, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हम इस तरफ से जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन्स को नंबरिंग के अंदर इंक्लूड करना है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमें इस तरफ से जाना होगा, यहाँ से नंबरिंग इस तरफ से जाएंगे,
अब देखें सब्स्टिट्यूएंट दो हैं और किस पोजीशन पे हैं। पहले तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 1, 2, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और दूसरा 4 पे मिलेगा। जबकि हम अगर यहाँ से करेंगे 1, 2, 3 और ये 4, एक 4 पे मिलेगा दूसरा 5 पे मिलेगा। तो देखें यहाँ से एक 3 पे और एक 4 पे मिल रहा था, तो हम यहाँ से ही नंबरिंग करेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नाम लिखें आप। पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नेम जो कि 3 पे और 4 पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 और ये डाई मिथाइल हो जाएगा 3, 4 डाई, और ये 5 कार्बन वाली चेन है तो इसे हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। अब इसको जो है यहाँ पर ये पेंटीन आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इसे हम कहेंगे 1-साइक्लोपेंटीन, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है तो ये होगा 1-साइक्लोपेंटीन। तो इस तरह से आप नाम लिखेंगे किसी भी साइकिल वाले साइक्लिक कंपाउंड का। और अब यहाँ पर भी एक चेन वाला जहाँ पर कंपाउंड मौजूद है, इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी। तो अब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन आपको यहाँ से मिलेगी और ये 4 कार्बन वाली होगी, लेकिन यहाँ से आप नीचे जाएं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब ये 5 कार्बन वाली है तो, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ रहे, तो आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए। अब ये सेलेक्ट करेंगे तो 4 कार्बन आएंगे और एक डबल बॉन्ड आएगा। हमें ये वाली चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली चेन, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं और साथ में ये 5 कार्बन आ रहे हैं, तो ये जो चेन है ये सही रहेगी। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करें जहाँ से आपको जो ग्रुप हैं, यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये करीब रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड तो हमारे पास यहाँ से भी 1 पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पे आएगा, सेकंड पोजीशन, यहाँ पे भी 1 पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो इसको यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड 1 पे मिलेगा, ये 5 पे मिलेगा और यहाँ से ये 1 पे मिलेगा और ये 5 पे मिलेगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से जाएंगे तो सेकंड पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आएंगे तो हमें थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1, 2 और ये 3 हो जाएगा, 4 और ये 5। अब यहाँ से सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखें। एक हमारे पास है इथाइल जो कि 2 पे मौजूद है, तो हम कहेंगे 2-इथाइल, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 3 पे है जो मिथाइल है, तो यहाँ पर ये CH3 होगा, यहाँ पर ये 3-मिथाइल हो जाएगा, 2-इथाइल 3-मिथाइल। और अब इस पूरी चेन को नाम दे दें, चेन क्या है, पेंटेन है, तो यहाँ पर ये पेंटीन होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड मौजूद है और एक डबल बॉन्ड है 1 पे और एक डबल बॉन्ड है 4 पे, तो 1, 4, 1, 4 ये हो जाएगा पेंटाडाइन, तो पेंटाडाइन, क्योंकि डाइन शो करेगा कि डबल बॉन्ड 2 बार हैं, 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये 1, 4 पेंटाडाइन इसका नाम हो जाएगा। तो 2-इथाइल 3-मिथाइल 1-4 पेंटाडाइन इस पूरे कंपाउंड का नाम है। तो इस तरह से ये पूरे जो नेमिंग है वो हमने कर ली, और होपफुली आपको ये नेमिंग जो है ये समझ में आ चुकी होगी और प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। और आपने कितने इन क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।